माशाल्लाह नो डाउट बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बहुत जगह ट्राई किया लेकिन वो पे भी वो जो बोल नहीं सकता वो आ रहे हैं वो, लेकिन ये टूट 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 हो गया ये तो, ये अच्छा, ये अच्छा लगा, बेहतरीन है माशाल्लाह, जो क्वांटिटी है जो पैसे, ऐसा प्लेटर नहीं खाया आज तक, अभी तक तो नहीं खाया, इस पैसों में नहीं खाया, इस पैसों में तो बिल्कुल भी नहीं खाया। दोस्तों हम लोग आज मौजूद हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे, जो कि कराची की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट में से एक फूड स्ट्रीट है। तो यहाँ आने की हमारी रीजन है कि जी आपको मैंने डिफरेंट किस्म के प्लेटर दिखाए हैं, आज प्लेटर की तलाश हमें लेके हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे आ गई है, जमजम फूड पे। तो यहाँ पे चलते हैं, इनका प्लेटर है और इनके पास चाइनीज है, इनके पास डिफरेंट किस्म के आइटम्स हैं, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे आने का है प्लेटर, तो चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आओ मेरे नाल भाई, ये देखें मैं अपने लिए चाइनीज यहाँ पे आके खुद तैयार कर रहा हूँ, ये देखें आप, और यहाँ पे बन रहा है चिकन चिली ड्राई, ये देखें, गरम लग रहा है मुझे यहाँ से, मैंने बोला आप खुद तैयार कर लें अपने लिए। आज यहाँ पे चाइनीज प्लेटर भी देखें, डिफरेंट किस्म के आपको प्लेटर, मैंने बारबेक्यू प्लेटर दिखाया, आज आपको यहाँ पे चाइनीज प्लेटर भी दिखाएंगे और आपको बारबेक्यू प्लेटर भी दिखाएंगे। प्लेटर की हो जाएगी बारिश, क्या हो जाएगी बारिश, हो जाएगी बारिश तो नहीं हो रही, हो जाएगी ना, अच्छा होगी, प्लेटर की होगी, खाने की होगी, खाने। अच्छा जी, ये क्या बना रहे हैं इस टाइम पे आप लोगों के लिए? ये सिंगापुरी राइस है, सिंगापुरी राइस है जी, यार ये जबरदस्त लग रहे हैं, मुझे बड़े पसंद है, मैं डालूं अपने हाथ से आपके लिए? जी दिला दो, क्या कहते हैं, एक सेकंड, ये क्या डाल रहे हैं? ये इसका सॉस है, मायो सीक्रेट सॉस है, ये सीक्रेट सॉस है जी। यार ये इसका जो जायका होता है ना, ये क्या है, मतलब जायका है इसी का असल, बिल्कुल बिल्कुल। कितना डालना है? दो चम्मच डाल दो, दो चम्मच डाल दूं ये? डाल लो आप। वाह, एक और डाल दूं? एक और डाल दूं, ऊपर से भर के डाल दूं? हाँ भर के डाल, ज्यादा चला गया तो ये मसला नहीं। ओए ये देखें, थोड़ा ये भी डाल दूं, हरा हरा भी, और डाल दें हैं जी? जी डाल, ओए 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 ओए, और डाल दूं? बस बस मैं ये डलवाने, ये अभी, ये क्या है अभी डालेगा? नूडल्स, नूडल्स डालेंगे, ये भी खाएंगे हम जी जी। और ये क्या है? ये गार्लिक है सर, ये गार्लिक है, ये भी डालें? जी जी, चम्मच भर के डाल दो जी, चम्मच भर के डाल दो। ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह खाने वाले को इसकी बरकत अता फरमा, क्या बात क्या बात, रुका नहीं जा रहा मुझसे, अब मेरा दिल चाह रहा है फौरन जो है ना ये खा लूं। ये प्लेटर तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, ये बारबेक्यू प्लेटर है, बारबेक्यू प्लेटर, बारबेक्यू प्लेटर की तैयार होगी। अच्छा, और चाइनीज प्लेटर अलग तैयार होगा, सही है जी, जबरदस्त हो गया। ये 4-person प्लेटर तैयार कर रहे हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ प्लेटर का सीन क्या है, कि यहाँ पे 2-person प्लेटर भी है, 4-person प्लेटर भी है, और 6 अफराद के लिए भी प्लेटर यहाँ पर है। तो हमने आपको बंसुर का प्लेटर भी दिखाया है, आपको अब्दुल हसन अस्वानी का प्लेटर भी दिखाया है, आज हमने कहा आपको हुसैनाबाद का प्लेटर दिखाते हैं अभी, और हुसैनाबाद के हम 2 प्लेटर बनवाएंगे, एक हम बनाएंगे चाइनीज प्लेटर और एक हम बनाएंगे बारबेक्यू प्लेटर। अब आपकी मर्जी है, चाइनीज खाने वाले चाइनीज प्लेटर खाएं और बारबेक्यू वाले बारबेक्यू, रेट एंड बता दो। अच्छा जी, ये बन रहा है बारबेक्यू प्लेटर, तैयार हो रहा है 4 अफराद के लिए। ये पहले इसमें लगाए जा रहे हैं खीरे, ये देखिए, ये वो खीरे जो आपने आंखों पर ही रखने, ये वो खीरे जो आपने प्लेटर में लगाने, ऐसा भी पाकिस्तान की हालात नहीं है कि आगे खीरे खीरे आंखों में रखो और सो जाओ, ऐसा सीन नहीं है अभी। और खीरों के बाद क्या सीन आ रहा है ये बताएं जरा अभी? ये कबाब भी आएगा, कबाब आ रहा है, आने दो कबाब, ये आ गया जी। ये क्या, कौन सा कबाब है जी? ये रेशमी कबाब है, रेशमी कबाब आ गया, बेहतरीन हो गया जी। और दोबारा डाल डाल डाले, कंटिन्यू कर दो। अच्छा जी, ये रेशमी कबाब आ गए, अब ये क्या है? ये तुर्की कबाब आ गए, तुर्की कबाब आ गए, बेहतरीन, वाह क्या बात है। अच्छा ये क्या आ गया? ये मलाई ड्रम स्टिक आ गया, मलाई ड्रम, मलाई और ड्रम स्टिक जी, इसको ड्रम स्टिक क्यों बोलते हैं, ड्रम की तरह ये। अच्छा लाए और लाए, ये क्या है? ये वो, ये ड्रम स्टिक है, ये लाल मसाले वाली, लाल मसाले वाली। और ये कौन से मसाले वाली थी? ये मलाई, मलाई जी, ये मलाई है, वो लाल मसाला है। और ये क्या आ गया? ये मलाई बोटी आ गई, मलाई बोटी भी आ गई, हरे जा रहे हैं यार। ये क्या आ गया? ये हरे मिर्च टमाटर आ गया, यार ये जबरदस्त भर दिया है पूरा इसमें। चलें जी, अब आ रहे हैं इसके ऊपर
अब आ गए इसके ऊपर ढेर सारे अनियंस, जबरदस्त हो गया। और अब क्या आ गया जी इसके ऊपर, ये आपने रख दिया इसके साथ नींबू। अब क्या आ रहा है इसके साथ जी, आ गया ये आ गया इसके साथ जी रायता। और अब आ रहा है जी सबसे मेन चीज इसके ऊपर क्रीम। क्या बात है, जबरदस्त। आवाज थोड़ी सी बैठी है, आज कल हम लोग पिकनिक पे बहुत पीते हैं, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी बैठ गई है। बैठी आवाज थोड़ी काम चला लीजिए, बैठी आवाज से मैं आपका भाई खड़ा हुआ है। तो ये हो गया तैयार, अब मैं ले जाऊँ मजे। अब मैं ये लेके जा रहा हूँ भाई ऊपर, और इनके जो ऊपर फैमिली जो सिटिंग एरिया है ना, वहाँ पे एक टेबल हम इनसे रिक्वेस्ट करके लेंगे और वहाँ बैठ के इनसे तसल्ली से खाएंगे। फैमिली के लिए भी है और दोस्तों के लिए भी है, दोनों के लिए जगह है। आ जाओ। हाँ जी, ये बन रहा है अब हमारा चाइनीज प्लेटर। सही है भाई, ये भी कितने, दो लोगों के लिए है? जी सर। अच्छा, ये आपने पहले डाल दिया इसके ऊपर फ्राइड राइस। जी जी, फ्राइड राइस। अब इसके साथ और क्या चीजें आएंगी? इसके साथ आएंगे चौमिन, आएंगे सर। चौमिन आएगा जी। सही हो गया, जबरदस्त। अरे तो चाइनीज मेरा तो भला कर दिया आप लोगों ने। वाह 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 वाह, देख के ही मजा आ रहा है। और ये जो आपका हुसैना बाद है ना, इसकी जो वाइब है ना, रमजानों में आओ और यहाँ पे अलग ही एक माहौल है। ये क्या है? ये मंचूरियन है। मंचूरियन है, शास्त्र जैसा लग रहा है। नहीं, ये मंचूरियन है। मंचूरियन है आपके हाथ का बना हुआ? जी जी। शादी हो गई आपकी? जी। तो घर में भी खाना आप ही बनाते हैं? नहीं है? सारे काम आप करते हैं लग रहा है मुझे। ये ऐसे नेक चोरों के साथ यही होता है एंड में। चले लाए, ये आ गया जी, आ गया और छा गया। चाइनीज प्लेटर भी आ गया ली मार्केट में। ये लें जी, ये देखे जी, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो भाई हम इस टाइम पे रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद है और हमारे साथ हैं इनके मैनेजर। अभी हमने अपने प्लेटर तैयार करवा लिए हैं, चाइनीज प्लेटर भी तैयार हो चुका है और यहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर भी तैयार हो चुका है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, वो हुसैनाबाद यहाँ पर जमजम रेस्टोरेंट में आपके क्यों आए, ये खाने के लिए क्यों आए? खाने के लिए, जायके के लिए आते हैं, खाने के लिए। हमारे बिल्कुल सिंगापुरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अपना सिंगापुरी राइस बेहतरीन है, बड़े पसंद है मुझे वैसे। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद फिर हमारा ये प्लेटर वगैरह है, चाइनीज 2% है, आपके पास चाइनीज प्लेटर भी है और आपके पास जो है बारबेक्यू प्लेटर भी है। ज्यादा अच्छा कौन सा? ज्यादा अच्छा जो है अपना याना प्लेटर है हमारे पास, कमाल है, कमाल है, 2% है, 1000 रुपए का माशाल्लाह बेहतरीन। दो बंदे खाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि 2% जो सर्विंग है वो है सिर्फ 999 रुपए। जी, 999 रुपए में दो बंदे, और अगर कोई बहुत ज्यादा पेट भर के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे जैसा बंदा खा लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी चेक करते हैं, ट्राई करें। और इसके अलावा क्या क्या चीजें होती है? उसके बाद हमारा बारबेक्यू है, फास्ट फूड का आइटम है, हमारा पिज्जा का आइटम है माशाल्लाह, पिज्जा भी है हमारा, चाइनीज है हमारा बेस्ट है, बिरयानी भी है, बिरयानी भी है माशाल्लाह। मत जाइएगा वहाँ पे, यहीं खड़े रहे। नहीं, मैं आपके पास ही हूँ। आप चलने लगे, हम लोग तो घूमते रहते हैं ना माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या वीडियो से बाहर निकल जाए ना, इसको रोक लूं। अच्छा, अभी हम आपके पास ट्राई करने आए हैं एक आपका ये बारबेक्यू प्लेटर और एक आपका चाइनीज प्लेटर, और साथ आपका थोड़ा सैंडविच जो है, आपका जो पिज्जा सैंडविच है वो थोड़ा चेक करेंगे और पब्लिक को अपने रिव्यू देंगे कि भाई वो इतना दूर से ऑल द वे कराची में यहाँ पे आएंगे तो उनके जो वैल्यू फॉर मनी ये है या नहीं है। यही सब चल के हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके अपने अपने बारबेक्यू प्लेटर का, अपना चाइनीज प्लेटर का वेट करते हैं। जैसे ही वो आता है आपको फुल रिव्यू देते हैं। एक बात और बता दूं कि माशाल्लाह सबसे बेहतरीन रेट है, सबसे कम रेट है इंशाल्लाह, सबसे कम रेट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं भाई, जो भी है ये चेक करके आया है कि प्लेटर के रेट अगर इससे कम कहीं मिल रहे हैं। भाई का दावा है कि प्लेटर के रेट भी जो है वो हुसैनाबाद में सबसे कम है। बड़े दिनों बाद हुसैनाबाद आ जाऊँ, पहले मैंने रमजानों के अंदर यहाँ बहुत वीडियोज बनाई है, लेकिन आज फिर से अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए यहाँ पर आप लोग याद आए। और एक और अच्छी बात यह है कि ये सुबह 5 बजे तक खुली है भाई, आप रात को आए। थोड़ा पार्किंग में अगर इश्यू हो तो आगे आगे पीछे की गाड़ी लगा लीजिएगा, लेकिन ये है कि अभी मैं खा के आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ कि यार आया कि आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं। इंशाल्लाह भाई, हम अभी ऊपर जा रहे हैं यहाँ से अपना प्लेटर खाने के लिए। यहाँ देखें 1, 2, 3 अफराद है। भजन कैसा लगा? बेहतरीन है माशाल्लाह, मजा। वाकई में रैंडम मैंने इनको ऐसे पूछा, मैंने कहा बता दे, कह रहे हैं खाने के बाद ले लेना। मैंने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुलाकात नहीं होगी। आपको कैसा लगा? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाकई में पहली दफा खा रहे हैं। जी जी माशाल्लाह, नो डाउट, बहुत जबरदस्त जबरदस्त है। बहुत जगह ट्राई किया लेकिन वो
बोल नहीं सकता वो, लेकिन ये बेहतरीन है माशाल्लाह। जो क्वांटिटी है, जो पैसे, ऐसा प्लेटर नहीं खाया आज तक, अभी तक तो नहीं खाया। इस पैसों में नहीं खाया, इस पैसों में तो बिल्कुल भी नहीं खाया। रेकमेंड करते हैं वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर आ जाए। अच्छा भाई, ये एक फैमिली हॉल है, सही है, तीन लोग बैठे हुए हैं थोड़े से साइडों पे। मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ ही बैठने की जगह, लेकिन हम बैठेंगे ऊपर जाके। आ जाए। तो भाई ये है रूफ टॉप की बैठने की जगह, जहाँ पे फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, इस ओपन एयर का माहौल का मजा ले सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के। है ऊपर थर्ड फ्लोर पे, लेकिन है जबरदस्त, बड़ा बहुत अच्छा बनाया लोगों ने, टॉप किस्म का। अभी यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे बैठ के हम अपना फूड रिव्यू देंगे और आप लोग बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे आए या ना आए। भाईजान ये देखिए, तीन तीन जो डिशेज हैं हमने यहाँ मंगवा ली हैं। आया कि आप चाइनीज़ के शौकीन हैं तो आप मंगाएंगे चाइनीज़ प्लेटर, अगर आप सैंडविच और बर्गर के शौकीन हैं तो आप मंगाएंगे जी ये अपना पिज़्ज़ा सैंडविच, और आप अगर प्लेटर के शौकीन हैं बारबेक्यू तो आप ये वाला प्लेटर मंगाएंगे। सही जी, ये है 4% सर्विंग, ये है 2% सर्विंग, ठीक है जी। और ये अब आपकी मर्ज़ी है कि ये दो खा लें, अगर आपके बहुत ज़्यादा भूख है तो फिर एक ही खा लेंगे, नहीं इतना गर्म है ना इस टाइम पे। और इसके अंदर चीज़ की आप जो लेयर है ना वो देखें, यहाँ थोड़ा तो मैं आस्ता आस्ता अलग करता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये देखें, ये खाने के बाद आपने हुसैनाबाद की और जमजम फूड की जय जयकार नहीं कर दी तो मुझे बोलिएगा फिर। ये देखें आप, ये बातों की तरह खींचती जा रही है ऐसे भी। ओह ओह ओह, इसमें तो जो जो चीज़ है ना वो लावे की तरह निकल रही है बाहर। ये देखें आप, ये देखें, मैं दोबारा यहाँ बिठाता हूँ और इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देता हूँ, फिर मैं देता हूँ इसका रिव्यू, वरना अभी खाऊँगा तो ये जल जाएगा मुँह ना, लेकिन कमाल लग रहा है वैसे। देख रहे हैं आप, ये करीब से देखिए। चलें जी, अब वक्त आ गया है प्लेटर को आजमाने का, तो इस पर हम सबसे पहले डालते हैं अच्छा सा ये करके रायता। ये देखें जी, ये जी ये रायता नहीं डालेंगे तो फिर वो चस नहीं आएगा ना, और वैसे तो हाथ से खाएंगे तो इसका ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मैं आज इसको स्पून से ही ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि अब डाइटिंग अब वाकई में स्टार्ट हो गई है। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, आज मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज भी की है सुबह। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यार बहुत ही मज़ेदार है सीरियसली। ये जो राइस के अंदर जो अपना टेस्ट है ना, इसके अंदर जो उसका यखनी का टेस्ट है, बहुत ही कमाल आया। जो पहली मैंने मलाई बोटी खाई है ना, वाकई में मुंह में मलाई गई है। और अब ये कौन सा है सर जी? कबाब, बीफ कबाब। हाँ ये है बीफ कबाब, पीछे भाई बैठे हैं, मैं तो पूछने के लिए उनको मैं बिठा लिया गया, कोई नाम भूल जाए बता देना। हाँ हाँ, ये प्लेटर मैंने अभी तक क्यों नहीं खाया था, ये सवाल आ रहा है, ये खाने के बाद ये सवाल जागा है। यार बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह से। अब यही तो मसला है ना कि अच्छा जो खाना आया था ना, थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं से खाओ ना तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर वेट कम ही नहीं हो पाता। और ये मलाई बोटी तो ऐसी है, घुल रही है मुँह में, बहुत ही मज़ेदार। अब मैं खाता रहूँगा तो खाता ही रहूँगा ये। अब मैं आ जाता हूँ यार, ये मैं आपको सीरियस बताऊँ, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छा, ये एक चीज़ आप लोग बता देता हूँ मैं, ठीक है जी। ये है 4% सर्विंग, इसमें आप 2% की सर्विंग भी ले सकते हैं, वो आपको मिलेगा 999 का, दो बंदे जिसमें रज के खा लें लोग ना। अच्छा जी, ये बीच में पड़ा है इसका एक लेग टिक्का ना, ये दिखाते हैं इसको ज़रा, ये देखें आप, धुआं निकल रहा है ना ज़रा ये, अब इसको इसको तो ऐसे ही ट्राई करना जो है ना बनता है ज़रा। भाई अभी तक आप लोगों ने अगर ये ट्राई नहीं किया ना, ये लाजमी एक दफ़ा आएँ, और मैं यहाँ पे इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ऊपर आप ये नॉर्मल डेज में आएँ, वीकेंड पे क्या होगा, रश होगा, आप लोगों को कभी ऐसा हो मुश्किल होगी, वीक डेज में भी आए ना, वीक डेज क्या टाइम निकाल के आए, सुबह 5 बजे तक है,
आप लोग शहजादे हैं कराची वाले, कहाँ जल्दी सोते हैं, आए इसको ट्राई करें, ये बहुत कमाल है, सीरियसली लिटरली बहुत कमाल है। अगर ना मज़ा आए तो मुझे मैसेज ही बोलेगा और ही मज़ा नहीं आया। अब पता नहीं आप लोगों के टेस्ट बैड अलग ना हो, बोला मेरे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, जानबूझ के नहीं बोलना, लेकिन है बहुत मज़े का, कमाल। अभी दोबारा आता हूँ वापस। ये 1800 रुपये का है भाई, चार बंदों की सर्विंग। और ये आ गया आप चाइनीज प्लेटर, ठीक है भाई, चाइनीज प्लेटर आ गया। और हम अब यहाँ से पहले हम एक तरफ से ये जो मंचूरियन का समंदर है ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज भी बेहतरीन, तो जो चाइनीज़ के शौकीन है ना भाई वो भी ट्राई करें इसको आके। लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बताया तो कि चाइनीज़ हमारा ऑब्वियसली बिल्कुल जैसे सऊदी अरब जैसे सऊदी अरब और यहाँ की मंदी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ऑब्वियसली ऑथेंटिक चाइनीज़ और इसमें ये हमारे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बना हुआ, लेकिन बहुत अच्छा है ये। फ्राइड राइस बेहतरीन है। अब हम ये थोड़ा मंचूरियन ट्राई करते हैं इसका। भाई ये चाइनीज भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर मुझसे ऑनेस्ट रिव्यू पूछेंगे कि मैं इन दोनों प्लेटर्स में से आपको हाईली रिकमेंड किसके लिए करूँगा, वो इस प्लेटर के लिए करूँगा। सही है भाई, कि ये जो है ना ये नेक्स्ट लेवल है, ये वाकई में नेक्स्ट लेवल है। आए इसको एक बार ट्राई करें, चाइनीज़ भी ट्राई करें, लेकिन अगर दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो फिर मैं इसकी तरफ जाऊँगा, ये बहुत अच्छा है। और अब हम साथ एक बाइट ले लेते हैं इस पिज़्ज़ा सैंडविच की। ये देखें अभी मेरे को दबा रहा, ये सब बाहर आ जाएगा, सही है ना। और यहाँ से बिल्ली भी ऊपर आ रही, चल बिल्ली भाग जाए सही, बाद में आना। तो बाकी ये कि अभी मैं कुछ ट्राई करके अभी दिखाता हूँ। ये है 400 रुपये का, मेरे ख्याल में दो बंदों के लिए ये भी मोर देन इनफ है। ये भी कमाल है, अगर आप सैंडविच के शौकीन हैं, बर्गर के शौकीन हैं, फास्ट फूड के शौकीन हैं, तो ये इसकी डो भी बहुत अच्छी है, जो इन्होंने इसके अंदर जो ब्रेड यूज़ की है ये भी बहुत अच्छी है, और इसका जो चीज़ है जो बीच में मटेरियल यूज़ किया हुआ है बेहतरीन है ये भी। बेहतरीन काम हो गया। मेन हुसैनाबाद पे जमजम रेस्टोरेंट है ये, और बाकी सारी अपडेट मैं इसको ख़त्म करता हूँ, खाता हूँ और फिर आप लोग ऐड में अपनी सारी अपडेट देता हूँ। थैंक यू भाई। अब आ गया है जी इनका ये सिंगापुरी राइस, जो मैं नीचे अभी देख के आ रहा था, ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे देखने में ना, तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ और इसका पहला निवाला लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये जो सॉस है ना ये देखें, इसमें पता नहीं क्या जादू है, क्या टेस्ट है इसका, मज़ा ही आ गया, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब मैं जो इनका चाइनीज़ पहले खाया है, ये जो सिंगापुरी राइस है ना ये बहुत ऊपर की चीज़ है, कमाल है, कमाल। आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा भाई। ना दो कैटेगरी थी, ये जो मेरे सामने रखा हुआ है ये है 600 रुपए का, ये दो बंदों के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर मैं हूँ यहाँ पे, हम इश्कात भाई हैं, तो हम दो के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत होगा कि हम दो इसको सुकून से ना तसल्ली से खा लें। और 400 रुपए का जो है वो सिंगल भी है यहाँ पे, आप सिंगल लेना चाहें सिंगल लें, लेकिन ये बहुत, ये दो चीज़ें मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, कि बल्कि दो भी नहीं तीन, ये सैंडविच भी जो मैंने अभी रख दिया यहाँ पे, बाद में खाऊंगा सुकून से। लेकिन ये बारबेक्यू प्लेटर और ये जो इनका सिंगापुरी राइस है, ये लाजमी विज़िट करके ये खाइएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा, यहाँ पर आके खाइएगा। थोड़ा पार्किंग का अगर इशू भी हो, आगे पीछे गाड़ी पार्क करें, इसको एक दफ़ा टेस्ट करके जाएं यार। ये जो भाई ने हमें दावा किया था ना इसके टेस्ट का, ये वाकई में इसका बहुत कमाल है यार। तो ये हुसैनाबाद पे है जमजम फूड, यहाँ पर आएँ और बहुत ज़बरदस्त यहाँ का एम्बियंस भी है, टॉप का, ख़ास तौर पर टॉप पर आएँ। नीचे भी एक जगह है फैमिली की बैठने की, लेकिन कोशिश करें कि टॉप पर आके बैठें, आपको बहुत अच्छा फील आएगा यहाँ पर।
और वीक डेज में आए, कोशिश किया था कि आपको प्रॉपर बैठने की जगह मिले। खा के अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।